हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू की भुजिया जो खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद है, एकदम सरल और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस दो चीज़ें मिलाओ और हमारी भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। हमने बनाने के लिए 4 आलू लिए हैं तो इनको हम छील लेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो मैं आलूओं को अच्छे से छील लूँगी। मैंने आलूओं को छील लिया है और इनको धो लिया है और इसके बाद मैं इन्हें कट करूँगी। मैंने ऐसे गोल गोल फीस कट कर लिए हैं। अब मैं इनसे छोटे छोटे फीस कट करूँगी लंबे फिंगर की तरह। आप चाहे तो इससे भी बारीक आलू कट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आलू सारे आलू को कट कर लूंगी। ये मैंने कट कर लिया है और इन्हें अच्छे से धो भी लिया। मैंने हरी मिर्च और लहसुन लिए हैं, इन्हें मैं अब कट कर लूंगी। आपको आलू को कट करने के बाद धो लेना है ताकि इनका वो सफेद सफेद पानी होता वो निकल जाए। बस हम हरी मिर्च डालेंगे और हमें इस भुजिया में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये मिर्च को बीच से कट कर लूँगी। आप चाहे तो जैसा कट कर चाहे तो कट कर ले हरी मिर्च को, लेकिन मैं लंबे से में कट कर लूँगी। थोड़ा बचा बचा के कट करें, नहीं तो चाकू उंगलियों में लग भी सकता है। तो देखिए अब हमारे कट चुके हैं सब। तो हम तेल गरम हो चुका है कढ़ाई में, तो मैंने लहसुन डाल दिया है और इसके बाद मैं डाल दूंगी हल्दी और इसके बाद हम डालेंगे कटे हुए आलू। हमें मिर्च अभी डालनी नहीं है, पहले इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। मैं आलू और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, आधी चम्मच ही डालना है। और इसके बाद हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। बाद में डालने से इसमें जो में डालने से भसने लगती है। और इसको हम स्लो गैस पर ही पकाएंगे। मैं इस पर एक चम्मच नमक डाल देती हूँ। हम इसके कर दिया है नमक को और इस पर हम ढककर रख देंगे। और इसे हमारी सब्जी पक चुकी है आधी, हम इसे दबाकर देख लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा सब्जी पक चुकी है। तो ढकने से सब्जी जल्दी पक जाती है और हमारी आलू की भुजिया पककर तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना।